क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में उपस्थित शोध छात्रों, मैं आज आपसे हिंदी माध्यम में, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से अधिकांश ने एमए या एमएससी हिंदी माध्यम में किया है, शोध के बारे में दो चार बातें रखूंगा। आशा है कि आपको इनसे लाभ होगा। इसके लिए मैंने कुछ पीपीटी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बात को कम से कम समय में समाप्त कर दूं, ताकि उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव सेशन रख सकें और आपके प्रश्नों का मैं समुचित उत्तर दे सकूं। तो दोस्तों, मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं और इसका मैंने शीर्षक रखा है कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशल साइंसेज या समाज विज्ञान में अनुसंधान का संचालन। मुझसे कहा गया है कि मैं तीन प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दूं, तो उन्हीं प्रश्नों पे मैं केंद्रित करना चाहूँगा। पहले तो शोध के लिए समस्या का चयन कैसे किया जाता है, दूसरा परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है, और तीसरे शोध में परिवर्तनशील अंग या अस्थिर अंक भी कह सकते हैं, जो अस्थिर हो, एक रेस्पोंडेंट से दूसरे रेस्पोंडेंट में जाते उनके मान में परिवर्तन आ जाए, अस्थिर अंक, और नियंत्रण के प्रकार। तो सबसे पहले हम शोध समस्या को लें। मुझे मालूम है कि आप विभिन्न विषयों के विद्यार्थी हैं, आप में कुछ समाज वैज्ञानिक हैं, कुछ भूगोल के हैं, कुछ इतिहास के हैं, तो राजनीति विज्ञान के हैं। तो मैं कहूँगा कि रिसर्च का विषय सेलेक्ट करने के लिए एक तो आप अपनी रुचि का ध्यान रखिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप किस विषय में काम करना चाहेंगे, आपकी रुचि क्या है, हम में से हर एक की कुछ रुचि होती है, तो समस्या ऐसी हो कि जिस पे कार्य करने में हम रुचि ले सकें, पहली शर्त तो यही है। दूसरे ये कि आपको जो एकेडमिक जर्नल्स हैं, जो शोध उन पत्र उनमें छपते हैं, तो ऐसे कुछ अच्छे पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए पिछले 5-10 सालों के आप शोध पत्र लीजिए। सभी शोध पत्रों में अंत में ये लिखा होगा कि उनकी शोध की सीमाएं क्या हैं और भविष्य में किस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है। तो भविष्य में किस प्रकार का काम करने की आवश्यकता है, वहां से आप अपनी शोध समस्या का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों से बात करना है, इसके अलावा अपने विषय में सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाओं में उपस्थित होकर आप देख सकते हैं कि आज विद्वान लोग, विशेषज्ञ लोग, समाज वैज्ञानिक लोग किन विषयों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें से जो आपके रुचि के अनुसार का कोई विषय हो वहाँ से आप उसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि विषय विशेष में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री हैं, कॉमर्शियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और ICSR है, ICPR है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि शोध के लिए संसाधन उपलब्ध कराती हैं। तो आप ऐसा विषय चुन सकते हैं जिसके लिए आपको वहां से संसाधन प्राप्त हो सके। संसाधनों में धन भी है और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था भी है, और आप स्टाफ रख सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। आप अकेले अगर डेटा कलेक्ट करेंगे तो थोड़ा ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप स्टाफ रख के डेटा कलेक्ट कराते हैं तो ज़्यादा लोगों से
डेटा कलेक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हर एक विश्वविद्यालय में हर एक शोध विद्यार्थी के साथ एक सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, तो आप पर्यवेक्षक से डिस्कस करिए। आपका पर्यवेक्षक जिस विषय का निष्णात है और उसकी रुचि जिन विषयों में काम करने में है और जिन विषयों में उसने स्वयं शोध पत्र प्रकाशित किए हुए हैं, आप एक ऐसा विषय ले सकते हैं। या आप ये भी चुन सकते हैं कि किसी सामाजिक समस्या के हल की दिशा में कोई शोध समस्या का चयन करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं हमारे देश के आगे, हमारे समाज के आगे, और उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं आप अपने शोध के माध्यम से। सरकारों को और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी एक्टर्स को, उनको समाज को कुछ ऐसी राय दे सकते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से संभव है, और ये आपका एक योगदान होगा। उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी में, भूगोल में जो रिसर्चेस की जा रही, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि किस तरह की रिसर्चेस हो रही हैं, मुख्य विषय क्या है। तो जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक और मानव जनित जो तत्व हैं उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं और उनके कारण किस तरह से हमारे जियोस्फेयर, बायोस्फेयर, हमारे पर्यावरण, वातावरण, ग्रह, पृथ्वी, भूमि, समुद्र आदि में किस प्रकार के परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन हैं पर्यावरण में, वातावरण में, धरती पर, लैंड यूज पैटर्न में, समुद्र में। और इनको हम कह सकते हैं कि एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इन आर्सेनिक की समस्या है और डिसास्टर्स हैं, इनके लिए किस हद तक प्राकृतिक तत्व महत्वपूर्ण है और किस हद तक मानव निर्मित तत्व महत्वपूर्ण है, ये एक ज्योग्राफी में रिसर्च का महत्वपूर्ण विषय है। राजनीति शास्त्र में कुछ उदाहरण शोध समस्याओं के इस प्रकार से दिए जा सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, कृषि अनुदान में क्या योगदान है, और इसके लिए एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश को लेकर आप उनका तुलना, भारत और बांग्लादेश में किस तरह से अलग अलग या एक ही जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नीतियाँ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को प्रभावित कर रही, चाइना में ह्यूमन राइट्स, या भारत में ह्यूमन राइट्स, या कश्मीर में ह्यूमन राइट्स, या झारखंड में ह्यूमन राइट्स, ऐसे ह्यूमन राइट्स विषयों, मानव अधिकार जैसे विषयों पर भी आप शोध कर सकते हैं। चेंजेस अफेक्टिंग मैनिफेस्टो, मुझे लगता है कि इस पे एक अच्छा कार्य किया जा सकता है कि आप एक या दो या तीन राष्ट्रीय दलों को ले लें और स्वतंत्रता के बाद उनकी घोषणा पत्रों में, इलेक्शन के समय जब वो घोषणा पत्र बनाते हैं, उनके कंटेंट में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और उनके कारण क्या हैं, इस पे पॉलिटिकल साइंस में अच्छा काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से वोटिंग बिहेवियर, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारा वोट किस हद तक हमारे वर्ग, हमारे लिंग, हमारे धर्म या जाति, या हमारे ग्रामीण या नगरीय होने से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। चेंजेज इन सेक्स कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्यों में लिंग, इस विषय पर आप अध्ययन कर सकते हैं कि स्त्रियों की भागीदारी किस अनुपात में बढ़ी है और उसके क्या कारण हैं, किन किन तत्वों से उसको बढ़ावा मिलता है, किन किन तत्वों से उसमें हनन होता है। इसके अलावा जो लोकल बॉडी, जो
में वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई है, तो उसका वीमेन एम्पावरमेंट या महिलाओं में सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे आप कार्य कर सकते हैं। इतिहास में आप बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं रिसर्च के, जैसे आज मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसे समझाने के लिए आपसे बता रहा हूँ कि चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड द राइज ऑफ बीजेपी, के हिंदू समाज में किस प्रकार, हिंदू समाज की प्रकृति में किस किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, और उसका बीजेपी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके उत्थान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, औद्योगिकीकरण और उसका सामाजिक संरचना पर प्रभाव, ये एक अध्ययन का विषय हो सकता है। दूसरे, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन सोशल रिलेशंस। इंडिया में हालांकि इस पर बहुत कुछ हो चुका है हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि जो भूमि स्वामित्व है उसके औपचारिक संगठन या औपचारिक संरचना का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव, इस पे आप काम कर सकते हैं। आप कोई विवादास्पद विषय जैसे अयोध्या वर्डिक्ट, उसको ले सकते हैं और अयोध्या में जाके आप सिविल जज के यहाँ से पुराने आर्क मटेरियल निकाल के, या और हायर हायर हाई कोर्ट में जाके, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी आप जान के रिकॉर्ड्स भी देखना चाहें, उनके आधारों पर आप अयोध्या द्वंद पर एक शोध ग्रंथ तैयार कर सकते हैं। अभी हाल में ऐसी पुस्तकें आई हैं बाजार में, और आप इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, आप अपने दृष्टिकोण से और अपना योगदान इस विषय में दे सकते हैं। सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक जो अभी छपी है कि अयोध्या में सूर्य उदय, उसने एक इसी तरह का काम किया है, और मैं कह सकता हूँ कि उसकी पुस्तक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पुस्तक से मैं सहमत हूँ या नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी पुस्तक को या उससे भी कम काम को आप एक पीएचडी थीसिस के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे केरला में मोपला विद्रोह हुआ था, उसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से उसकी सततता सांप्रदायिक दंगों के रूप में आगे सामने आई, और किस तरह से स्वतंत्रता के पश्चात भी इस तरह की मानसिकता जो मोपला विद्रोह के समय केरला में बनी थी, उससे हमारी राजनीति किस तरह से प्रभावित होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपके सामने बहुत सारे विषय हो सकते हैं। बैकग्राउंड एंड द मेंटल मॉडल सॉफ्टवेयर, जो तथाकथित आतंकवादी हैं उनकी पृष्ठभूमि और उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका मेंटल मॉडल, माने वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कैसे उन पर विचार करते हैं, इस पर काम हो चुका है, बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी हो सकता है। और आप ये नहीं सोचिए कि टेररिस्ट जो हैं वो कोई साधारण लोग होते हैं, मेंटली वो बहुत बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लो एक बम अपनी कमर पे बांध दो और एयरपोर्ट पे जाके विस्फोट कर दो, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे उससे पहले ही आपकी भाव भंगिमा, आपकी चाल ढाल देख के कोई भी पुलिस वाला अनुमान लगा लेगा कि ये टेररिस्ट हो सकता है। लेकिन ये टेररिस्ट एक तो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और वो इतने मजबूत व्यक्तित्व के लोग हैं कि उनकी भाव भंगिमा, चाल ढाल, बातचीत, व्यवहार से कोई पहचान भी नहीं सकता कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम अमंग वॉलेंटियर्स। आजकल एक नया काम शुरू हुआ है कि शहरों में नाभिकीय परिवार हो जाने की वजह से बूढ़ों की एक समस्या है, बूढ़ों के स्वास्थ्य की समस्या है, उनके जीवन यापन की समस्या है, और इसलिए बहुत सारी संस्थाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऐसे बनी है कि जो बूढ़ों
की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना उनको अच्छा लगता है काम करना, या मजबूरी में काम कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम अमंग वॉलेंटियर्स इन्वॉल्व इन एल्डरली केयर, इस पे काम किया जा सकता है। एक अभी किताब किसी ने लिखी है, IIM लखनऊ का एक प्रोफेसर है, उसने किताब लिखी है कि नार्सिसिज्म एंड मैकियावेलिज्म, अपने आप का महत्व और एक किस्म से कूटनीति भारत के प्रधानमंत्रियों में, किस हद तक वो अपने को महत्व देने वाले थे और किस हद तक ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स माने जाते हैं, नार्सिसिज्म अपने को बढ़ा चढ़ा के देखना, और मैकियावेलिज्म जिसमें कि मैनिपुलेशन शामिल है, अपने लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए किसी भी तरह से, तो वातावरण को इस तरह से अपने पक्ष में मैनिपुलेट करना कि हमारे उद्देश्य सिद्ध हो जाए। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है अच्छी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी इसमें काम कर सकते हैं, और वर्क फैमिली बैलेंस अमंग वीमेन, आजकल बहुत सारी महिलाएं उद्योग में काम करने जा रही हैं, और तो एक आप कोई विशेष प्रकार का उद्योग चुन लें जिनमें कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जैसे IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और वो महिलाएं अपने कार्य और परिवार में किस प्रकार से संतुलन बैठाती हैं, इस पे आप काम कर सकते हैं। और एक लोकस ऑफ कंट्रोल एंड स्कूल ड्रॉप आउट, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये कि आप अपने जीवन की घटनाएं, उनकी हार, अपने जीवन की हार और जीत, ये किसको एट्रीब्यूट करते हैं, किससे जोड़ते हैं, कि अपने कर्मों से या अपने भाग्य से। जो अपने भाग्य से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, या समाज से जोड़ते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, बाह्य है, और जो अपने आप से जोड़ते हैं वो इंटरनल कहलाता है। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल और स्कूल से स्कूल को छोड़ देना, इसमें क्या कोई संबंध है? ये डिफरेंट लेवल्स पे, सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल पे आप स्टडी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, जो तो आप एक स्तर तय करके उस स्तर पर लोकस ऑफ कंट्रोल और स्कूल ड्रॉप आउट की स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप लोकस ऑफ कंट्रोल में बच्चों को या विद्यार्थियों को तो ले ही सकते हैं, उनके माँ बाप को भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोचा आपको ये बताऊं कि कुछ PhD समस्या के कुछ वांछित आस्पेक्ट्स हैं उनके, कि कैसी होनी चाहिए PhD प्रोग्राम, PhD प्रॉब्लम। तो एक तो ये कि इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में, आपके क्षेत्र में, आपके कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट में एक डिबेट होना चाहिए कि कुछ लोग एक प्रकार की बात कर रहे हैं और दूसरे वैज्ञानिक या दूसरे समाज वैज्ञानिक दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उन एक उनमें एक डिबेट है, वाद विवाद है एक प्रकार से, और उसमें आप एक पोजीशन लेने के लिए, या आप रिसर्च के माध्यम से ये तय करते हैं कि किसकी पोजीशन, किसकी स्थिति के साथ आप जाएं। तो उस दूसरे ये कि ये आपके लिए रुचिकर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप इस पे 4-5 साल काम करने वाले हैं। अगर समस्या रुचिकर नहीं होगी तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, कुंठित उदासीन हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आपका सुपरवाइजर भी ऐसा हो कि जो उस क्षेत्र में आपको शोध कराने में, शोध संचालन में मदद कर सके, वो एक योग्य व्यक्ति है, उस क्षेत्र के लिए योग्य व्यक्ति है। अगर आपका सुपरवाइजर किसी और विषय में काम करता है और आप किसी और विषय में काम करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा उस विषय पर काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए समय है, ये संसाधनों की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। तो और आपको उस विषय में काम करने के लिए जो मेथोडोलॉजीज, जो कार्य प्रणाली, जो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए,
तो उन मेथोडोलॉजी से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, परिचित हैं। और उस तरह के लेख जो अल्टीमेटली थीसिस करने के बाद जो आप लेख लिखेंगे, उस तरह के लेख अच्छी पत्र पत्रिकाओं में जो आपके विषय के पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, कुछ जर्नल्स तो ऐसी होते हैं कि कोई भी छाप लेता है, और कुछ पीयर रिव्यूड होते हैं जिनमें छापने से पहले आर्टिकल्स का सहयोगियों द्वारा रिव्यू या समीक्षा कराई जाती है। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में उस तरह के आर्टिकल्स छप रहे हैं। फिर तो ये तो एक सवाल था कि शोध समस्या कैसी हो। दूसरा सवाल है कि शोध की प्रक्रिया क्या होती है। तो शोध प्रक्रिया में मैं आपको जो एक कहते हैं कि अधिकांश रिसर्च एम्पिरिकल तथ्यों पर आधारित जो रिसर्चेज होती हैं उनमें क्या स्टेप्स होते हैं, वो ये इस तरह के हैं कि डिडक्टिव रिसर्च प्रोसेस, आप एक सिद्धांत से शुरू करते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये निगमनात्मक दृष्टिकोण है रिसर्च को देखने का, कि आप एक सिद्धांत लेते हैं, कोई आपके क्षेत्र का सिद्धांत, तो उसके आधार पर कुछ प्रपोजिशंस बनाते हैं, जो कंसेप्ट्स हैं या जो उसके विभिन्न अमूर्त आयाम हैं, अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, और उन अवधारणाओं से आप वेरिएबल्स या अस्थिरांक पे आते हैं, और उनके संबंधों के बारे में एक कुछ परिकल्पना बनाते हैं, फिर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है, आपकी जो परिकल्पना है, उसको आप निरस्त कर सकें, और आप निरस्त कर पाए हैं या नहीं उसके आधार पर फिर अनुमान लगाते हैं और वापस सिद्धांत की तरफ जाते हैं। सिद्धांत से शुरू करते हैं, सिद्धांत पर अंत करते हैं, और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन में एक फर्क ये है कि जब आप बताते हैं कि हमने ये आंकड़े एकत्रित किए और इन इन अस्थिरांक के औसत मान ये हैं, उनके स्टैंडर्ड डिविएशंस ये, मानक विचलन ये हैं, आदि आदि, तो वो तो फाइंडिंग्स में, या एफ रेशियो या टी रेशियो, वो फाइंडिंग्स हैं। टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियाँ निकालना, ये फाइंडिंग्स हैं। और उसके आधार पर जो आप सिद्धांत के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, वो आपका परिणाम होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा समय इस पर भी दें कि रिसर्च हाइपोथेसिस होते क्या हैं। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब है कल्पना, दो वेरिएबल्स या दो अस्थिरांकों के बीच के संबंध के बारे में आपकी मान्यता, जिसको आप तथ्यों के आधार पर परीक्षण करना चाहते हैं। तो परिकल्पनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हम रिसर्चर्स के लिए वो परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कि तथ्यों के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। और ये परिकल्पना ऐसी है कि इसके पीछे कोई एकेडमिक थ्योरी, कोई सिद्धांत का आधार भी है, और दो या अधिक अस्थिरांकों के बीच के संबंध के बारे में है। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये अस्थिरांक या परिवर्तनशील अंक इस प्रकार के हैं, वेरिएबल्स इस प्रकार के हैं कि जिन पर फील्ड से या क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एक हाइपोथेसिस हमेशा दो अस्थिरांकों के बीच के संबंध के बारे में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके आपकी थीसिस में दो या उससे अधिक, मैंने ऐसी थीसिस भी देखी जिनमें 100 तक परिकल्पनाएं थी। तो परिकल्पनाएं कितनी होंगी, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च क्वेश्चंस पर निर्भर करता है, लेकिन एक परिकल्पना दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ही होती है, तीन या चार के बारे में नहीं। अब मैं उदाहरण के तौर पे, ये कई सारे संबंध यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें सिर्फ एक ही संबंध इस प्रकार का है जिसको कि हम वैज्ञानिक परिकल्पना कह सकते हैं या जिसपे शोध करने की आवश्यकता हो सकती है। तो
जैसे ईश्वर पुल्लिंग, गॉड इज मेल, ईश्वर पुरुष है या स्त्री है, ये एक परिकल्पना हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि ईश्वर पुरुष है या स्त्री है। महिलाएं पुरुषों से कम दिमाग रखती हैं, ये एक संबंध हो गया लिंग में और बुद्धि में। मराठा इस राष्ट्र के सुरक्षा करने वालों में है। मराठाज आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। ह्यूमन्स आर रैशनल, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। जो पावर है या जो सत्ता है वो अनेक प्रकार की हो सकती है। एक्सपर्ट पावर, कि आप किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ हैं, या रेफरेंट पावर, आप बड़े लोगों या पावरफुल लोगों से, शक्तिशाली लोगों के साथ आपके संबंध हैं, या भावनात्मक ताकत, या पारंपरिक ताकत, जैसे पारंपरिक रूप से पति की ताकत है, पिता की ताकत है, ब्राह्मण की ताकत है, और आर्गुमेंटेटिव पावर भी हो सकती है कि आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, वाद विवाद में हिस्सा, संवाद में आप प्रभावी हो सकते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का सुपर स्ट्रक्चर, जैसे नैतिकता, धर्म, शिक्षा और तर्क, इससे संबंध है, होता है। कोई भी निरपेक्ष सत्य जैसी चीज नहीं होती। आपको एक सही तरीका ढूंढने की जरूरत है जिससे कि आप ये समझ सकें कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी। राइज इन वर्ल्ड टेम्परेचर बाय 4 डिग्रीज। विश्व में यदि तापक्रम 4 डिग्री बढ़ गया तो क्या मनुष्यता समाप्त हो जाएगी? अब ये बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं, या रिलेशनशिप्स हैं, या टिप्पणियां हैं दो अस्थिरांकों के बीच के संबंध की, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही टिप्पणी ऐसी, या एक ही मान्यता ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि उससे साइंटिफिक हाइपोथेसिस का जन्म हो सकता है। वीमेन आर लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि लिंग को आप देख सकते हैं आंकड़ों के आधार, फील्ड क्षेत्र क्षेत्र में काम करके आप मनुष्यों को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और बुद्धि को नापने के लिए, इंटेलिजेंस को नापने के लिए आपके पास बहुत सारे पैमाने भी हैं, IQ मेजर्स हैं। बहुत मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस को नापने के बहुत सारे तरीके बना रखे हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिसमें शोध बहुत हो चुका है और बहुत होता रहेगा। अभी अभी भी इसके बहुत सारे आयाम ऐसे हैं कि जो नहीं देखे गए हैं, कि पुरुष और स्त्रियों का एक तुलनात्मक अध्ययन उनकी बुद्धि को लेकर। तो ये आप काम कर सकते हैं मित्रों। हाइपोथेसिस कई तरह के हो सकते हैं। एक, जब मैं विद्यार्थी था तो हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करते थे, जो इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि आप वैकल्पिक परिकल्पना लिखें अपनी थीसिस में, और उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो कमजोर परिकल्पना, जो सिर्फ ये बताती है कि दो अस्थिरांकों में संबंध हो सकता है। दूसरी वो जो ये बताती है कि कौन सा उनमें कारण है, कौन सा प्रभाव है। और तीसरा जो मजबूत हाइपोथेसिस, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, उसको हम कहेंगे जो न केवल कार्य और कारण को निर्धारित करती है, बल्कि वो संबंध ऋणात्मक है या धनात्मक है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटता है या बढ़ता है, उसके बारे में भी बात करती है। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं, मापन। जब आप आंकड़े एकत्रित करते हैं, जब आप अपने अस्थिरांकों पर या परिवर्तनशील राशियों पर या वेरिएबल्स पर आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो आप एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, एक मापन यंत्र का आप इस्तेमाल करते हैं। आपके मापन यंत्र उस तरह के नहीं होते जिस तरह के भौतिक वैज्ञानिकों के या रसायन शास्त्रियों के या अभियंताओं के, लेकिन आप भी तो मापन करते हैं। जब आप एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, या इसकी उम्र 50 साल है या 30 साल है, या ये इस प्रकार के ज्ञान में अद्वितीय है, तो
आप जरूर एक किसी किस्म का मापन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो मापन के ये चार प्रकार हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के किस प्रकार का विश्लेषण हम करेंगे, विश्लेषण के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, ये इस पे निर्भर करता है कि मापन किस प्रकार का, नॉमिनल या सांकेतिक। नॉमिनल उनको कहते हैं जिनमें हम केवल वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे धर्म के आधार पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, या प्रदेश के हिसाब से कि कोई आपका रेस्पोंडेंट उत्तर प्रदेश का है या केरला का है या आंध्र प्रदेश का है, पुरुष है या स्त्री है, तो ये खाली या उच्च उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है, निम्न, तो इनको कहते हैं सांकेतिक। केवल आप विभाजित कर सकते हैं विभिन्न वर्गों में। ऑर्डिनल में ये कि न केवल आप विभाजित कर सकते हैं बस बल्कि किसी अस्थिरांक के आधार पर आप ये भी व्यक्त कर सकते हैं कि उस अस्थिरांक की वैल्यू या उसका उसका मूल्य उच्च है या मध्यम है या निम्न है, तो क्रमवार आप उनको संगठित कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनल। जैसे हम आप सब जानते हैं कि जैसे कोई अंताक्षरी होती है या नाटक होता है या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है कॉलेजेस में या खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उनमें हम कहते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये एक प्रकार का क्रमवाचक मापन है। फर्स्ट जो आया वो सबसे टॉप पे है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इस तरह से। लेकिन हम उनके अंतरालों के बारे में नहीं बोलते, हम ये नहीं कहते कि जो गुण हम देखना चाह रहे हैं उस गुण को लेकर पहले और दूसरे में उतना ही अंतर है जितना दूसरे और तीसरे में या तीसरे और चौथे में। खाली क्रम के हिसाब से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को बांट सकते हैं, तो ये ऑर्डिनल क्रमवाचक। इंटरवल का मतलब ये कि उनके बीच के अंतराल को भी मापित किया जा सकता है। तो जैसे उम्र है, एज है, आप कह सकते हैं कि एक 10 साल की उम्र वाले और 20 साल की उम्र वाले में उतने ही वर्षों का अंतर है जितना कि 50 और 60 के बीच। या आप ये कह सकते हैं कि 10 और 20 साल के जो लोग हैं उनके जन्म के समय में वही समय का अंतर है जो 50 और 60 उम्र के लोगों के बीच। रेशियो ज्यादातर हम चाहते हैं कि हमारे समाज विज्ञान में इंटरवल या अंतराल मापन को अगर हम प्राप्त कर सकें तो बहुत है। और सांख्यिकी की लगभग सभी विधियां आप प्रयोग में ला सकते हैं अगर आपके अस्थिरांकों का या परिवर्तनशील चरों का अंतराल मापन हो पाया है। और सर्वश्रेष्ठ मापन होता है रेशियो, अनुपात। अनुपात में न केवल अंतराल महत्व का होता है बल्कि एक विशेष बात इसकी ये है कि जो जीरो है, जीरो मूल्य उस गुण के अभाव को दर्शाता है। जैसे इनकम है, इनकम एक तरह से नॉमिन इनकम का डेटा अगर आपके पास है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब। आप ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति उससे ज्यादा अमीर है, वो उससे ज्यादा अमीर है, वो उससे ज्यादा अमीर है, या जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है वो ये है, सबसे गरीब व्यक्ति है। आप उनको इस प्रकार से क्रमवाचक पद्धति में भी संगठित कर सकते हैं। इनकम में अंतराल भी है क्योंकि जिसकी तनख्वाह या जिसका वेतन 20,000 रुपये माह है और जिसका वेतन 30,000 रुपये माह है, उनमें वेतन का वही भेद है जो कि 80,000 और 90,000 रुपये पाने वालों, तो 10,000 का अंतर है, तो अंतर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनकम को हम ये भी कह सकते हैं कि वो अनुपातिक मापन को दिखाता है, क्योंकि अगर किसी की इनकम जीरो है तो इसका मतलब ये कि उसकी इनकम नहीं है। मैं अक्सर क्लास में ये बताया करता था कि जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर क्या है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो रेशियो स्केल पर मेजर किया गया। लेकिन दोस्तों 0 डिग्री टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल्स हैं,
सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट है, एब्सोल्यूट है, जो साइंस में ही काम आता है। तो एक स्केल पे जो जीरो है वो दूसरे स्केल का 32 हो सकता है। आप एक ऐसा स्केल भी कल्पना कर सकते हैं या बना सकते हैं जिसमें वो 50 हो। तो ये आपके स्केल की इनिशियल वैल्यू और उनके रेशियोज पे डिपेंड करेगा। तो ये टेम्परेचर का डेटा एक्चुअली इंटरवल स्केल का ही कहलाएगा, ये रेशियो नहीं कहलाएगा। ऐसे आप देखिए उम्र, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उम्र या व्यय या आयु ये रेशियो स्केल पे, लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि कल्पना करिए कि एक लड़का है जो 10 साल का है, उसके पिताजी की उम्र 30 साल है, तो 3 गुना पिताजी की उम्र 3 गुना है आज। लेकिन 20 साल बाद क्या होगा? 20 साल बाद लड़का जब 30 साल का होगा तब पिताजी की आयु 50 साल होगी, तब उनकी उम्र में वही अनुपात नहीं रह जाएगा। तो मेरी दृष्टि में उम्र का जो वेरिएबल है वो रेशियो स्केल पर नहीं है, वो इंटरवल स्केल पे है। अगर आप इंटरवल स्केल पे मापन कर सकें तो इतना काफी पर्याप्त है, समाज विज्ञान के क्षेत्र में इतना पर्याप्त है। और बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम ऐसे स्केल्स देखने में आते हैं समाज शास्त्र में जिनको हम कह सकते हैं ट्रूली कि वो रेशियो स्केल्स हैं। लेकिन चूंकि इंटरवल स्केल होने पर हम लगभग सभी सांख्यिकीय प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं, या इंटरवल स्केल डेटा को हम मान लेते हैं कि वो रेशियो स्केल का डेटा है और फिर विश्लेषण करते हैं, तो इंटरवल स्केल होना काफी है। मित्रों, अब जब संबंधों की बात आती है तो एक ये बड़ी सामान्य सी बात है कि हम वेरिएबल्स को सबसे पहले तो बांटते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इंडिपेंडेंट वो है जो किसी और तत्व पर निर्भर नहीं करते। जैसे हमने इस चित्र में दिखा रखा है कि ई जेड को प्रभावित करता है, तो ई जो है कारण हो गया, जेड उसका परिणाम हो गया, और ई को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड को हम कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम वाई और जेड के बीच के संबंध को देखें तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जब हम एक्स और वाई के संबंध को देखते हैं तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है जो निर्भर करता है किस पे? एक्स पे, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये संबंधों की कैसी कल्पना की गई है, आपका मॉडल क्या है, उस पर निर्भर करता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ वेरिएबल्स को हम मॉडरेटर्स या मीडिएटर्स भी कहते हैं। मॉडरेटर्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि दो अन्य वेरिएबल्स के संबंध को प्रभावित करते हैं। जैसे वी है, यहाँ से एक तीर का निशान जाता है और एक्स और वाई के बीच के संबंध की जो रेखा है वहां पहुंचता है, तो ये वी ये बताता है, वी एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्स और वाई के संबंध को प्रभावित करता है। वी एक्स को हो सकता है प्रभावित ना करता हो, वी हो सकता है वाई को प्रभावित ना करता हो, या इनमें से किसी एक को करता हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो एक्स और वाई के संबंध को प्रभावित करता है। ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं मॉडरेटर्स। और मीडिएटर्स या मध्य के वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके माध्यम से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रभावित करता है। जैसे अगर एक्स वाई जेड को आप देखें तो एक्स वाई को प्रभावित करता है और वाई जेड को प्रभावित करता है, तो आप कह सकते हैं कि वाई एक प्रकार का मीडिएटर भी है। एक्स में जो परिवर्तन होंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स का मूल्य उच्च होगा या निम्न होगा, इसका प्रभाव जेड पे पड़ेगा, और उसका कारण ये कि एक्स वाई को प्रभावित करेगा और वाई जेड को। तो यहाँ पर वाई की जो भूमिका है वो मीडिएटर की है। इसके अलावा आगे चल के जब हम विश्लेषण की बात करेंगे तो कोरिलेशन कोरिलेशन और इंटरेक्शंस की भी बात करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। और अंत में मैं कहूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मापन करते हैं तो उनकी
रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। किसी दिन हम जब खाली रिलायबिलिटी या खाली वैलिडिटी पे बात करेंगे तो लंबी चर्चा इस विषय पर कर सकते हैं। आज तो इतना है कि ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। जब भी आप कोई मापन करेंगे तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे माप, हमारे मापदंड, हमारे स्केल्स, हमारे मापन, मापक यंत्र, उनमें रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है या नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब है पुनरुत्पादन क्षमता। मतलब अगर उन्हीं व्यक्तियों से कुछ समय के बाद फिर से आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो परिणाम वही होंगे। इसको कहते हैं पुनरुत्पादन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हो, और वो कह रहा है कि ठीक हूँ, और 2 मिनट बाद पूछ रहे हैं कैसे हो तो वो कह रहा है कि बहुत बुरी हालत है। तो इसका मतलब ये पूछने का, ये जो हमारा प्रश्न है वो रिलायबल नहीं है। इसी तरह वो प्रश्न भी रिलायबल नहीं होंगे जो कि हमेशा एक ही प्रकार के उत्तर को देते हैं, चाहे परिस्थितियां बदल गई हों और व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दशा भी बदल गई हो। जैसे हाउ आर यू, अक्सर हम किसी से पूछते हैं तो तुरंत प्रत्युत्तर यही होता है कि मैं ठीक हूँ। तो ये हाउ आर यू कोई रिलायबल, हालांकि एक ही उत्तर बार बार मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से एक जैसा उत्तर मिल रहा है, लेकिन इसको हम रिलायबल नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि कर्टसी या सामाजिक मर्यादाएं इस प्रकार की हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार के नॉर्म्स हैं कि सब लोग ये पूछे जाने पे ही कैसे हो, पहली बार तो यही कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो ये कोई अच्छा स्केल नहीं है किसी व्यक्ति की स्थिति जानने का। कोई ये नहीं पूछता कि आप किस बारे में पूछ रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में, मेरी शारीरिक स्थिति के बारे में, मेरी राजनीतिक स्थिति, ये प्रश्न नहीं करते लोग। अच्छा, वैलिडिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि क्या आप सत्य तक पहुंच पा, क्या आपका मापन ऐसा है कि आप सत्य तक पहुंच गए, यदि नहीं तो वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि जैसे ये कुछ गोले बने हुए हैं और इनमें किसे कहा गया है कि बिल्कुल केंद्र बिंदु पर तीर चलाना है। तो ये चार अलग अलग लोग हैं जिनके कि अलग अलग स्थानों पर वो लक्ष्य भेद करते हैं। अब आप देखिए, पहला वाला जो है अनरिलायबल और अनवैलिड, इसमें कई बार वो सही भेद करता है, कई बार नहीं भी करता, दूर भी हो जाती है उसकी। तो कहाँ, इन गोलों में किस गोले पर और किस स्थान पर उसका तीर लगता है वो नहीं बताया जा सकता, उसके उसको प्रिडिक्ट नहीं, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ऐसे व्यक्ति के केस में, तो वो अनरिलायबल और अनवैलिड है। समानांतर दूसरे में अनरिलायबल है क्योंकि कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन इसको वैलिड कहा गया है, इसकी विश्वसनीयता अधिक कही गई। क्यों? क्योंकि ये एक एक विशेष बिंदु के चारों ओर ही इसके लक्ष्य भेद होते हैं। तीसरे केस में रिलायबल नॉट वैलिड, ठीक है, जब भी ये तीर चलाता तो एक विशेष स्थान पे ही भेद करता है, लेकिन वो स्थान केंद्र बिंदु से काफी अलग है। इस सेंस में ये रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे, या एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो, तो उसके जो तीर लगते हैं वो आसपास के क्षेत्र में ही लगते हैं, और जो केंद्र बिंदु है, जो सबसे अंदर का सर्किल है, उसके जो केंद्र बिंदु है उसी के आसपास वो भेदता है। तो ये रिलायबल और वैलिड दोनों हुआ। तो मैंने आज दो तीन बातें आपके सामने रखी। शोध विषय का चुनाव कैसे करें दोस्तों, और दूसरी ये कि परिकल्पना क्या होता है, होती है, परिकल्पना क्या होती है और किस प्रकार की परिकल्पना को वैज्ञानिक परिकल्पना कहते हैं, जो आपके शोध का विषय बन सकती है। और तीसरी बात ये कि हम अपने वेरिएबल्स, अपनी चर राशियों या अस्थिरांकों का, परिवर्तनशील अंकों का मापन कैसे करें। तो उसमें नॉमिनल स्केल है,
जो खाली वर्गीकृत करता है, एक ऑर्डिनल स्केल है जिस पे हम मूल्यों को एक क्रमवार बढ़ते या घटते हुए क्रम के अनुसार दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। एक इंटरवल स्केल है जिसमें कि वैल्यूज के बीच के जो अंतराल हैं उनका भी एक महत्व होता है। उन वो अंतराल अधिक है या कम है, या एक जैसा है या एक जैसा नहीं है, इसके बारे में भी बात की जा सकती है। और सबसे अच्छा मापन होता रेशियो। लेकिन और रेशियो और अंतराल में जो भेद है वो ये है कि रेशियो मापन में जो जीरो है वो उस गुण के अभाव को दर्शाता है, जबकि इंटरवल स्केल अंतराल मापन में ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको ये भी एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि आयु जो है, आयु का मापन अगर हम इस तरह से मापते हैं कि भाई पिछले जन्मदिन पर आपकी कितनी आयु थी, कंप्लीटेड इयर्स में, संपूर्ण वर्षों में बताइए, या आज आपकी कितनी आयु है संपूर्ण वर्षों में बताइए, तो चाहे कोई 25 साल 3 महीने का हो या 25 साल 9 महीने का हो, हम उसको 25 साल मानेंगे। ये आयु का मापन हम करते हैं। ये आयु का मापन अंतराल मापन है, ये अनुपात मापन नहीं कहलाएगा। हाँ, इनकम इकोनॉमिक्स में ऐसे स्केल्स डेवलप किए हुए हैं कि जो रेशियो स्केल्स पे, इसीलिए इकोनॉमिक्स में गणित का, उच्च गणित का, एडवांस विकसित गणित का, इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रयोग करना संभव हो पाया, और गणित किस प्रयोग की वजह से आज इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को उच्च प्रकार का समाज विज्ञान माना जाता है, जबकि हमारे सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में उस प्रकार के मापन नहीं है, और इसलिए उनकी उनकी वैज्ञानिक श्रेष्ठता के आधार पर उनको हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, अर्थ विज्ञान के नीचे रखते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब जो आपके प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्नों को व्यक्त कर सकते हैं और मैं प्रयत्न करूँगा कि उनका उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।